हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द करेक्टर ऑफ चंपा बिकॉज समवन सेंट अ मैसेज दैट सर प्लीज डिस्कस द करेक्टर ऑफ चंपा। सो आई एम हियर विद द करेक्टर ऑफ चंपा। चंपा सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर बाई महेश दत्तानी का एक बहुत ही शानदार करेक्टर है। मैं आपको बता दूं, मैंने सेवन स्टेप्स अराउंड द फायर की स्टोरी को उमा राव व अनारकली के करेक्टर को और लॉन्ग क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। जिसने ये वीडियोज ना देखे हों वह प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकता है। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं करेक्टर ऑफ चंपा। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द करेक्टर ऑफ चंपा। चंपा इज द हेड हिजड़ा ऑफ द ग्रुप। चंपा अपने ग्रुप का एक हेड हिजड़ा है, यानी एक हेड किन्नर है। ऑफ विच अनारकली एंड कमला आर मेंबर, और उसी ग्रुप की अनारकली और कमला मेंबर हैं। हिजड़ाज हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। हिजड़ों के यानी किन्नरों के अपने कायदे और कानून होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द हिजड़ास, ज़्यादातर जो किन्नर होते हैं, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, वो निर्देशों का पालन करते हैं। ऑफ देयर हेड, अपने हेड के निर्देशों का पालन करते हैं। चंपा इज अ पैट्रॉन। चंपा पैट्रॉन है, यानी संरक्षक है, एज वेल एज मदर, और साथ साथ वो एक माँ भी है। ऑफ द हिजड़ास ऑफ हर ग्रुप, अपने ग्रुप के किन्नरों की। वेन एनी ऑफ द हिजड़ास ऑफ हर ग्रुप इज इन ट्रबल, जब उसके ग्रुप के किसी भी हिजड़े को यानी किसी भी किन्नर को इज इन ट्रबल, परेशानी होती है, सी मेक्स ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू गेट हर आउट ऑफ ट्रबल, तो वो सभी संभव प्रयास करती है, पॉसिबल एफर्ट्स करती है टू गेट हर आउट ऑफ ट्रबल, उसको परेशानी से बाहर निकालने के लिए। व्हेन अनारकली इज अरेस्टेड, जब अनारकली को गिरफ्तार कर लिया गया था फॉर द मर्डर ऑफ कमला, कमला के मर्डर के इल्जाम में, सी गेट्स इम्पेशेंट टू बेल हर आउट, तो वह उसे जमानत देने के लिए इम्पेशेंट हो जाती है, अधीर हो जाती है। व्हेन उमा मीट्स हर, जब उमा की मुलाकात चंपा से होती है, इन कनेक्शन ऑफ अनारकली रिलीज, अनारकली की रिलीज यानी रिहाई के लिए, चंपा टेल्स हर दैट, चंपा उसे बताती है कि इफ़ सी हैड 20,000 रुपी, यदि उसके पास 20,000 रुपया होता, तो सी वुड थ्रो देम ऑन द फेस ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वह सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के फेस यानी चेहरे पर वो पैसे फेंक देती। एंड गेट अनारकली बेल्ड आउट, और अनारकली को जमानत पर रिहा कर लेती। चंपा लव्स अनारकली लाइक हर डॉटर, जो चंपा है वो अनारकली को अपनी डॉटर के जैसे प्रेम करती है। व्हेन अनारकली इज बैडली बीटन बाय मिस्टर सरमाज मैन, जब अनारकली को बैडली बीटन मतलब बुरी तरह से पीटा गया बाई मिस्टर सरमाज मैन, मिस्टर शर्मा के आदमियों के द्वारा, सी ट्राइज हर बेस्ट, तो वो हर संभव कोशिश करती है टू कंफर्ट हर, उसे आराम देने की कोशिश करती है। सी इज वेरी सैड टू थिंक, यह सोचकर वह दुखी हो जाती है दैट कि डॉक्टर्स आर नॉट रेडी टू ट्रीट अनारकली, कि जो डॉक्टर्स हैं वो तैयार नहीं हैं टू ट्रीट अनारकली, अनारकली का इलाज करने के लिए। व्हेन अनारकली आस्क्स हर, जब अनारकली उससे कहती है टू गिव मोर मनी टू एनी डॉक्टर, कि डॉक्टर को कुछ और पैसे दे दो फॉर हर ट्रीटमेंट, उसके उपचार के लिए, चंपा सेज हेल्पलेसली, तो चंपा असहाय रूप से कहती है। सी टेक्स अनारकली हेड इन हर लैप, यानी वह अपनी लैप पर यानी अपने गोद के ऊपर अनारकली का हेड, सिर रख लेती है। व्हेन अनारकली टेल्स हर, जब अनारकली उसे बताती है कि हर मदर यूज्ड टू सिंग, कि उसकी माँ उसके लिए गाना गाया करती थी। व्हेन सी हैड फीवर, जब कभी उसे बुखार हुआ करता था। चंपा आस्क हर टू शट अप,
चंपा उसे शट अप शांत करा देती है, चुप करा देती है एंड सेज कहती है नाउ आई एम योर मदर, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। चंपा हैज टीयर्स इन हर आईज, चंपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं एज सी सिंग्स, जब वो गाना गाती है। चंपा इज बोल्ड हिजड़ा, चंपा एक बोल्ड हिजड़ा है यानी बोल्ड किन्नर है। सी इज नॉट अफ्रेड ऑफ सलीम, वह सलीम से डरती नहीं है। दो सी नोज इट, यद्यपि वह जानती है इट वेल दैट, अच्छे से जानती है कि ही इज अ मिनिस्टर्स बॉडीगार्ड, कि सलीम मिनिस्टर का बॉडीगार्ड है। सी टेल्स हिम, वह सलीम से कहती है फॉर्मली दृढ़तापूर्वक कहती है दैट कि ओनली सी हैज़ द राइट, कि उसको अधिकार है ओवर कमलाज ज्वेलरी, कमला की ज्वेलरी को रखने का एंड क्लॉथ्स उसके कपड़ों को रखने का। एंड रिफ्यूजेस टू गिव हिम कमलाज बॉक्स एंड इट्स की, और जो चंपा है वो रिफ्यूजेस मना कर देती है टू गिव हिम कमलाज बॉक्स, कमला के बॉक्स को देने के लिए एंड इट्स की और उस बॉक्स की चाबी को देने के लिए। सी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ कमलाज डेथ, कमला की मौत की समस्या को सॉल्व करने के लिए। सी न्यू, वह जानती थी हु किल्ड कमला, कि कमला का मर्डर किसने किया था। बट वेटेड फॉर द राइट टाइम, लेकिन वो एक सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी ऑफ द डिस्क्लोजर ऑफ इट्स सीक्रेट, उसके भेद को खोलने के लिए, उसके रहस्य का खुलासा करने के लिए। When the right time comes, जब सही समय आता है, she brings into light the culprit, तो वह culprit यानी अपराधी को brings into light, प्रकाश में लेकर आती है very cleverly, बहुत चालाकी से। चंपा is a kind-hearted हिजड़ा, चंपा एक दयालु किस्म का हिजड़ा है, दयालु किस्म का किन्नर है। She knows, वह जानती है उमाज पेन, उमा के कष्ट के बारे में, of not being able to give birth to any baby, क्योंकि उसने किसी भी बेबी को जन्म नहीं दिया था, किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। So she gives her a locket, इसलिए चंपा उसे एक लॉकेट देती है with a special मंत्र in it, एक स्पेशल मंत्र का लॉकेट देती है। सी आस्क हर, वह उससे कहती है टू वियर इट, कि इस लॉकेट को पहन ले एंड गॉड विल ब्लेस हर विद चिल्ड्रन, और भगवान उसे बच्चे के रूप में आशीर्वाद देंगे। सी इज वेल अवेयर ऑफ हिजड़ास प्लाइथ, वह हिजड़ा के प्लाइथ यानी कष्टों के बारे में अच्छे से जानती थी। हर सिंगल सेंटेंस, उसका जो एकमात्र सेंटेंस है एक्सप्रेसेस, वह व्यक्त करती है हर एगोनी, अपने कष्टों को व्यक्त करती है अप हाउ, कि किस प्रकार दे आर इग्नोर्ड एंड डिस्कार्डेड इन सोसाइटी, कि उन्हें समाज में नज़रअंदाज किया जाता है और डिस्कार्डेड और बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। चंपा हैज फुल अथॉरिटी ओवर हर ग्रुप, जो चंपा है अपने ग्रुप के ऊपर पूरा अधिकार रखती है, पूरी अथॉरिटी रखती है। एंड ओनली सी हैज़ द राइट टू डिसाइड, और उसे ही राइट टू डिसाइड यानी निश्चय करने का अधिकार है हु विल बी द हेड हिजड़ा आफ्टर हर, कि उसके मर जाने के बाद कौन ग्रुप का हेड हिजड़ा बनेगा। टू वॉट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के अंत में सी मेक्स अनारकली द हेड हिजड़ा, वह अनारकली को हेड हिजड़ा बनाना चाहती थी एंड टेक्स रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट ले लेना चाहती थी। सी गोज टू बॉम्बे टू लिव विद हर सिस्टर, वह अपनी बहन के साथ बम्बई में रहना चाहती है। सी शुड ऑल्सो बी रिगार्डेड, उसे रिगार्डेड सम्मानित किया जाना चाहिए एज अ मेजर करेक्टर इन द प्ले, इस प्ले में एक मुख्य पात्र के रूप में, एज सी एज प्रेजेंट, क्योंकि वह प्रेजेंट रहती है इन द प्ले, इस प्ले में फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लेकर अंत तक प्रस्तुत रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो दोस्तों ये था आपका चंपा का करैक्टर, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहां रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।